नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। सरकार कितनी भी महिलाओं की सेफ्टी की बात कर ले, नियम कानून बना ले, लेकिन देश में महिलाएं किसी भी जगह सेफ नहीं है। चाहे वो घरेलू महिला हो या कामकाजी महिलाओं के साथ यौन पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज हम उन नामी महिला खिलाड़ियों की बात करेंगे जिनके साथ अभी हाल ही में घटना घटी है और कोच पर आरोप लगे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। स्पोर्ट्स की दुनिया में हैरेसमेंट का खेल, नाम रोशन करने वाली महिलाओं के साथ हैरेसमेंट, कुश्ती से लेकर क्रिकेट तक हैरेसमेंट की आठ कहानियां। महिलाओं के साथ कोच करते हैं यौन उत्पीड़न, 10 साल में करीब 29 कोचों पर लगे आरोप। अभी हाल ही में सुर्खियों में आया मामला, देश की जानी मानी महिला पहलवान विनेस फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। देश के नामी पहलवान अखाड़ों में उतरने की बजाय अब 3 दिन से दिल्ली में धरने पर बैठे थे। आपको बता दें कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह है। आपको ये भी बता दें कि बड़े नामों की वजह से ये मामला सामने भी आया, वरना न जाने कितने केसों में महिलाएं बात भी नहीं करती। शिकायत तो दूर की बात है, शिकायत होती भी है तो सुनवाई भी नहीं होती। बात करें यौन उत्पीड़न के आरोपियों में फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और जिम्नास्ट के कोच तक शामिल है। अब बात करें इससे पहले हुई कई घटनाओं की, जो कि 7 साल पहले केरल की जूनियर महिला एथलीट अपर्णा रामचंद्रन के साथ हुआ। कोच के उत्पीड़न से परेशान होकर स्पोर्ट्स अथॉरिटी के हॉस्टल में ही सुसाइड कर लिया था। ये कोई एक महिला की कहानी नहीं है, बल्कि 8 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की है, और ये सभी घटनाएं लगातार होती आ रही हैं, और सब घटनाओं में कोचों पर आरोप लगे हैं। जुलाई 2021 में 7 महिला एथलीटों ने बास्केटबॉल के कोच पी नागराजन पर कई वर्षों तक दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए। सबसे पहले 19 साल की एक एथलीट ने नागराजन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। जून 2022 की बात है, एक महिला साइक्लिस्ट ने स्लोवेनिया दौरे पर भारतीय राष्ट्रीय महिला साइक्लिस्ट टीम के मुख्य कोच आर के शर्मा पर यौन उत्पीड़न और मिसबिहेव करने के आरोप लगाए थे। और अब बात करें 2022 में जुलाई की, भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम के कोच एलेक्स एम्ब्रोस कोच पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। इस मामले में भी महिला का कहना था कि उसे अपने कोच एम्ब्रोस से ऐसी उम्मीद नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक एम्ब्रोस पर खेल के बाद खिलाड़ियों को गंदे और भद्दे मैसेज भेजने के भी आरोप है, और एक केस में तो गौतम गंभीर की मदद से महिला क्रिकेटर ने उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। सितंबर 2014 में एक महिला जिम्नास्ट के कोच द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत सामने आई थी, और इससे पहले 2011 में तमिलनाडु स्टेट एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव एके करुणाकरन पर उत्पीड़न छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। जुलाई 2010 में भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी रंजीता देवी ने टीम के कोच महाराज किशन कौशिक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। भारतीय खेल जगत में यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। कोचों के गलत व्यवहार से महिला एथलीटों की दुनिया बर्बाद हो रही है। भारत में भी नहीं, खेलों में शोषण रोकने के लिए इकाई बनाने की जरूरत है, ताकि विनेश फोगट, साक्षी मलिक समेत कई महिला क्रिकेटरों को इंसाफ मिल सके। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।